हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिबाई हकल थ्योरी फॉर मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये थ्योरी किसने दी थी। तो दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय पीटर डिबाई एंड एनरिच हकल। दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इट इज अ थ्योरिटिकल एक्सप्लेनेशन फॉर डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी इन सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये थ्योरी हमारे को क्या बताएगी कि जो हमारे पास में मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट है वो किस तरह से हमारे पास में आयनिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड रहता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा डिबाई हकल थ्योरी है उसके पोस्टुलेट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पोस्टुलेट हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट है कि जो हमारे पास में जो आयन्स होते हैं, द आयन वर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज। इसको हमने पॉइंट चार्ज के रूप में ट्रीट किया है। सेकंड पोस्टुलेट है द आयन एंड इंट्रैक्शन वर अज्यूम टू बी लॉन्ग रेंज कुलाम्बिंग फोर्स वाइल शॉर्ट रेंज जो हमारे पास में नॉन कुलाम्बिक फोर्स इंट्रैक्शन होती है वो प्ले करती है नेग्लिजिबल रोल। ठीक है, तो यहाँ पे जो आयन एन के बीच में इंट्रैक्शन होगी उनके बीच में कौन सा फोर्स होगा, वो होगा हमारे पास में Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर कुलाम्बिक फोर्स होगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड इसका पोस्टुलेट है कि द रोल ऑफ सॉल्वेंट इज टू प्रोवाइड ए मीडियम विच इज कंटेनम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ई विच इज़ नेसेसरी फॉर ऑपरेशन ऑफ इंटीरियर फोर्सेस। ठीक है, तो हमारे पास में जो सॉल्वेंट होगा वो क्या है, मीडियम प्रोवाइड कराता है। ठीक है, जिसका जो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है वो ईटा होता है एंड ये हमारे पास में नेसेसरी होता है फॉर द ऑपरेशन ऑफ इंटीरियर फोर्सेस। ठीक है, तो जो हमारे पास सॉल्वेंट होगा वो भी जो हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइट के आयन होंगे उनसे इंट्रैक्ट करेगा और जो इलेक्ट्रोलाइट के आयन है उसकी जो होगा हमारे पास में वेलोसिटी या फिर मोबिलिटी है उसको इफेक्ट करेगा, उसको डिक्रीज कर देगा। तो इस तरह से जो हमारे पास में आइडियलिटी है उससे जो हमारे पास में आयन्स होंगे वो सोल्यूट जो हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइट होगा वो डिविएट कर जाएंगे। फोर्थ पोस्टुलेट है ईच आयन इज सराउंडेड मोर क्लोजली बाय आयन्स ऑफ अपोजिट चार्ज देन बाय आयन्स ऑफ सेम चार्ज। द प्रिंसिपल अजम्पशन इज दैट द डिपार्चर फ्रॉम आइडियलिटी इज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टेटिक इंट्रेक्शन बिटवीन आयन्स। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि जितने भी आयन्स होंगे, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव से सराउंडेड रहेगा और नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव से सराउंडेड रहेगा। ठीक है, इस तरह से ये चार्ज जो है दूसरे चार्ज से इंट्रेक्शन करते हैं और इस इंट्रेक्शन के कारण ये इंट्रेक्शन किसी होती है, इलेक्ट्रोस्टेटिक इंट्रेक्शन होती है। ठीक है, जिसमें जो चार्ज है इसको हम एज अ पॉइंट चार्ज कंसिडर करेंगे और इनके बीच में इंट्रेक्शन होगी वो कौन सी होगी, इलेक्ट्रोस्टेटिक इंट्रेक्शन होगी, मतलब उसमें जो कुलाम्बिक फोर्स होगा वो एक दूसरे में काम करेगा। ठीक है, इस टाइप से जो हमारे पास में जो डिपार्चर हो जाएगा फ्रॉम आइडियलिटी। ठीक है, तो इसलिए ये जो होंगे आइडियलिटी से डिपार्चर कर जाएंगे। अब डिबाई हकल थ्योरी जो है वो जनरेट करती है ए रिलेशनशिप बिटवीन द मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट गामा प्लस माइनस एंड आयनिक स्ट्रेंथ आई। अभी हम इसका डेरिवेशन देखेंगे किस तरह से हम इसको रिलेट करेंगे। फिर जो है एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ इंडिविजुअल आयन कैन नेवर बी डिटरमाइंड बिकॉज इन ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ओनली केटायन एंड ओनली एनायन कैन नेवर एग्जिस्ट। ठीक है, देयरफॉर गामा प्लस एंड गामा माइनस कांट बी डिटरमाइंड, सो वी डिफाइन ए न्यू टर्म मीन एक्टिविटी ए प्लस माइनस एंड मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट गामा प्लस माइनस। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि केवल किसी सॉल्यूशन के अंदर केटायन नहीं रह सकते और केवल किसी सॉल्यूशन के अंदर जो है एनायन नहीं रह सकते, तो इस तरह से केटायन और एनायन जो होंगे किसी सॉल्यूशन जो होगा उसमें साथ साथ रहेंगे, इसलिए जो हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिकली जो होता है न्यूट्रल होता है। तो जो अगर दोनों साथ साथ रहेंगे तो हम केवल किसी केटायन की एक्टिविटी और केवल किसी एनायन की एक्टिविटी नहीं निकाल सकते और ना ही इनका एक्टिविटी कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करते हैं टू टर्म्स विच इज़ मीन एक्टिविटी एंड मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट। अब हम देखेंगे कि जो डिबाई हकल थ्योरी है उसका हमको डेरिवेशन किस तरह से करना है। तो डिबाई हकल थ्योरी के डेरिवेशन में हमको रिलेशन निकालना है गामा प्लस माइनस जो कि मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट है और आई जो कि हमारे पास आयोनिक स्ट्रेंथ है। तो उसके लिए हमारे पास में ये एक जो है इलेक्ट्रोलाइट है जो कि डिजोल्व होता है ए एक्स बी वाई, जो डिजोल्व होता है एक्स ए जेड प्लस एंड वाई बी जेड माइनस। ठीक है, इसको आप इस तरह समझ सकते हो जैसे हमारे पास में Al2SO4 का थ्राइस है वो कैसे डिजोल्व होगा, 2Al3+3SO4 2-। तो यहाँ पे क्या है, ये 2 जो है नंबर ऑफ केटायन है तो यहाँ पे भी X आगे आ जाएगा और Y ये वाला जो है हमारे पास में क्या है नंबर ऑफ एनायन है यानी कि Y है, तो इस तरह से ये भी जो है यहाँ पे आगे आ जाएगा और यहाँ पे जो होगा Al पे चार्ज जो कि हमारे पास में 3+ है, इस तरह से A पे भी कुछ चार्ज होगा जो कि चार्ज जो उन केटायन होगा उसको हम जेड प्लस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बी पे जो चार्ज होगा उसको हम जेड माइनस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास में एक्स क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ केटायन विथ चार्ज जेड प्लस और यहाँ पे वाई है नंबर ऑफ एनायन विथ जेड माइनस चार्ज। तो इसके बाद हम जानते हैं कि जो हमारे पास में मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट होता है गामा प्लस माइनस उसकी वैल्यू होती है हमारे पास में गामा प्लस की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय गामा माइनस की पावर वाई और इसकी होल पावर होती है 1/x+y। ये चीज़ हमने देखी थी मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट वाले वीडियो में। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर लोगरिथम लेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आगे लोग गामा प्लस माइनस इक्वल टू हो जाएगा लोग
और ये हमारे पास में है गामा प्लस की पावर एक्स, गामा माइनस की पावर वाई और इनकी होल पावर एक्स प्लस वाई। तो ये हमारे पास में क्या है, लॉग ऑफ एम की पावर एन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन लॉग एम। ठीक है, मतलब कि जो पावर है ये आगे आ जाएगी। तो ये हमारे पास में हो जाएगा लॉग गामा प्लस माइनस इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस वाई लॉग ऑफ गामा प्लस की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय गामा माइनस की पावर वाई। अब हम एक और प्रॉपर्टी चलते हैं लॉग की, लॉग एम मल्टीप्लाई बाय एन क्या होता है, लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि लॉग गामा प्लस माइनस इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस वाई, यहाँ से ये हो जाएगा लॉग एम प्लस एन है, तो इसको हम इसमें लॉग गामा प्लस की पावर एक्स और प्लस लॉग गामा माइनस की पावर वाई भी लिख सकते हैं। अब वापस हम जो है लॉग एम की पावर एन का जो फॉर्मूला लगाएंगे और इसको और अच्छे से लिखेंगे, अरेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास में वन अपॉन एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा एक्स लॉग ऑफ गामा प्लस प्लस वाई लॉग ऑफ गामा माइनस। ठीक है, ये हमारे पास में इक्वेशन वन थी, ये इक्वेशन हमारे पास में टू निकल के आ गई। अब यहाँ पे एक रिलेशन होता है गामा लॉग जो हमारे पास में होता है गामा आई, और हमारे पास में जो है लॉग गामा आई की जो वैल्यू होती है वो किस तरह से होती है वो देख लेते हैं हम। तो लॉग गामा वाई जो होता है वो रिलेट होता है हमारे पास में जो केटायन का जो चार्ज है और एनायन का जो चार्ज है उससे, और इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता है उससे। ठीक है, तो जेड आई ई नोट का स्क्वायर एन ए अपोन में टू ईटा आर टी जाई इनवर्स। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, लॉग गामा आई जो होता है वो इक्वल टू होता है ये वैल्यू के। ये जो है वैल्यू कहाँ से आई, तो ये आई बाई यूजिंग डी बाई अकल इक्वेशन। ठीक है, तो ये डी बाई अकल इक्वेशन से ये वैल्यू आती है। अब इसके बाद में हम जो है केटाइन के लिए और एनएन के लिए निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या होता है, नेचुरल लॉग होता है यानी कि एलएन होता है। ठीक है, तो इसको हम जो है लॉग में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे टू इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह से जो इसकी वैल्यू आएगी 2.303 की, इसको हम यहाँ पे भेज देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इधर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉग ऑफ गामा प्लस के लिए लिखेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस जेड प्लस ई ज़ीरो का स्क्वायर एन ए, जो कि हमारे पास में अवोगाड्रो नंबर है, अपन में क्या हो जाएगा 2.303 मल्टीप्लाई बाय 2 ईटा आर टी, और जाई को हम क्या लिखेंगे, ऊपर रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे 2.303 कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल लॉग था, तो हमने इसको जब लॉग में कन्वर्ट किया तो इसको 2.303 से मल्टीप्लाई किया, और जब इसे मल्टीप्लीकेशन में तो इधर हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या इसमें आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू हो जाएगी गामा प्लस की, और हम लिखेंगे लॉग गामा माइनस की वैल्यू, तो ये भी इस तरह से आ जाएगी, माइनस जेड माइनस ई नोट का स्क्वायर एन ए, जो कि अवोगाड्रो नंबर है, एक्स अपॉन में 2.303 मल्टीप्लाई बाय 2 ईटा आर टी। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू को, जो कि हमारे पास में ये दो वैल्यू आई है, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर थ्री। तो इक्वेशन थ्री की वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन टू में, तो हमारे पास में कुछ इक्वेशन इस तरह से हो जाएगी, लॉग गामा गामा प्लस माइनस इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में वन अपॉन एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे है हमारे पास में x, और लॉग गामा प्लस की वैल्यू हमने रखी है, तो ये हमारे पास में क्या आ रही है, माइनस z प्लस e नोट का स्क्वायर एन ए जाई अपॉन में 2.303 मल्टीप्लाई बाय 2 ईटा आर टी। इसी तरह से हम जो दूसरी वैल्यू है वो भी हम इसमें पुट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास में क्या था, प्लस y, अब यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू रखी तो क्या आएगी, माइनस जेड माइनस ई ज़ीरो का होल स्क्वायर एन ए जाई अपॉन में 2.303 मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा आर टी। ठीक है, तो ये हो गई इसकी वैल्यू, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, दोनों में माइनस आ रहा है तो दोनों का माइनस जो है कॉमन लेके बाहर निकाल लेंगे, तो ये दोनों इक्वेशन जो है आपस में प्लस हो जाएगी। ठीक है, इस माइनस को इससे गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टोटल जो वैल्यू है ये माइनस की हो जाएगी, ये भी वैल्यू टोटल माइनस की हो जाएगी, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, दोनों से माइनस कॉमन लेके हम बाहर निकाल देंगे, तो ये अंदर जो होगा ब्रैकेट के अंदर केवल ये दोनों आपस में प्लस में रह जाएगी, और यहाँ पर जो हम कॉमन ले सकते हैं जैसे कि ई नोट
का स्क्वायर, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे जेड स्क्वायर हो जाएगा, ई नोट स्क्वायर हो जाएगा, एन ए एक्स अपॉन में 2.303 मल्टीप्लाई बाय 2 eta RT, ये सब दोनों में कॉमन आ रहा है, इसको हम टोटल को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन हमारी कुछ इस तरह से दिखेगी। तो हमारी इक्वेशन किस तरीके से दिखेगी अब, कि यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस को पहले कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया, माइनस एक्स अपॉन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वाई, और यहाँ से हमने एन ए एक्स एन एस आई को और ई नोट के स्क्वायर को कॉमन ले लिया, अपॉन में 2.303 मल्टीप्लाई बाय 2 eta RT को भी कॉमन ले लिया, क्योंकि दोनों दोनों में सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे कॉमन आ गई, और यहाँ पे क्या बच गया, केवल एक्स जेड प्लस का स्क्वायर, एक्स जेड प्लस का स्क्वायर, और यहाँ पे बच गया वाई और जेड माइनस का स्क्वायर। ठीक है, वाई जेड माइनस का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि इस सेपरेट जो वैल्यू है इसको पहले सोल्व करके देखेंगे कि इसकी वैल्यू किस तरह से हमारी निकलती है। ठीक है, तो हमारे को ये टर्म को सोल्व करना था, एक्स जेड प्लस का स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस का स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स जेड प्लस मल्टीप्लाई बाय जेड प्लस प्लस वाई जेड माइनस मल्टीप्लाई जेड माइनस। हम जानते हैं कि जो हमारे पास में जो सोल्यूशन है, एज वी नो होल सोल्यूशन इज़ न्यूट्रल, दैट इज़ एक्स जेड प्लस इक्वल टू होगा वाई जेड माइनस, मतलब जितनी कंसनट्रेशन हमारे पास केटाइन की होगी उतनी ही एनआइन की होगी, तो जो हमारे पास में होल सॉल्यूशन होगा वो न्यूट्रल होगा। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारे पास में जेड प्लस है, इसको हम लिखेंगे एक्स जेड प्लस जेड माइनस, और जो हमारे पास वाई जेड माइनस को लिखेंगे वाई जेड प्लस जेड माइनस। तो जो हमारे पास में एक्स जेड प्लस स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, वो इक्वल होगी एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस प्लस वाई जेड प्लस जेड माइनस। यहाँ से जेड प्लस जेड माइनस को हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो गई जेड प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई। तो इस ये जो वैल्यू है इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो हमारे पास में प्रीवियस इक्वेशन थी, जो कि थी हमारे पास में इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशन नंबर 4 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाली जो हमें इक्वेशन नंबर 5 से वैल्यू आई है उसको इसमें पुट कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ठीक है, तो हमारे पास में इक्वेशन किस तरह से हो गई, लॉग गामा प्लस माइनस इक्वल टू हो गया माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वाई, और ये चीज़ हमारे पास में एज इट इज़ है। यहाँ पे हमने जब इसकी वैल्यू पुट करी, एक्स जेड प्लस स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट करी, तो क्या आ गई जेड प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई। यहाँ पे भी क्या एक्स प्लस वाई, यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में लो गामा प्लस माइनस की वैल्यू आ जाएगी, वो इक्वल होगी एन ए जो कि नेगेटिव में है, जाई ई नोट का स्क्वायर अपॉन में 2.303 मल्टीप्लाई बाय 2 eta RT, यहाँ पे बचेगा जेड प्लस और जेड माइनस। अब यहाँ पे हम जो है ई जो जाई है उसकी वैल्यू भी पुट करेंगे, तो ये हमारे पास में इक्वेशन 6 आ गई। यहाँ पे जाई की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास में 4π अपोन में EKT समीशन ऑफ NI नोट ZI नोट का स्क्वायर ई नोट स्क्वायर की पावर हाफ। ठीक है, और इसमें भी जो हमारे पास में ये NI नोट है इसकी वैल्यू क्या होती है, NI नोट की वैल्यू होती है हमारे पास में CI नोट मल्टीप्लाई बाय NI अपॉन में 1000। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यू को जब हम इस वैल्यू को हम जो इसमें पुट करेंगे, तो जाई की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, 4π EKT सबमिशन ऑफ CI। ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू हमने रखी NI ZI का स्क्वायर ई नोट का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में क्या था हमारे पास में 1000। ठीक है, तो और इसका होल का क्या था 1/2, यहाँ पे क्या है नोट। तो ये वैल्यू को हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू है इसको जब हम मॉडिफाई करते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देती है, 4π यहाँ पे जो कांस्टेंट है जैसे NA ई नोट का स्क्वायर अपॉन में EKT मल्टीप्लाई बाय 1000, इसको यहाँ पे रख देते हैं, और बाकी हमारे पास में क्या बचा, सबमिशन ऑफ CI नोट ZI नोट का स्क्वायर और इसकी होल की पावर हमारे पास में क्या है, हाफ। अब यहाँ से जो ये वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे कि ये इसके पावर में हाफ है, तो ये और इस दोनों को हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा, 4π NA ई नोट की पावर ई नोट का स्क्वायर अपॉन EKT मल्टीप्लाई बाय 1000, इसकी पावर हाफ कर देंगे, पूरा कांस्टेंट है। और यहाँ पे जो ये है सबमिशन ऑफ CI, ठीक है। और एक चीज़ करेंगे हम, यहाँ से क्या करेंगे इस इक्वेशन को पूरी को क्या करेंगे, अंदर से जो है पूरे को 2/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो कोई इक्वेशन में फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे क्या होगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ये है 1/2 दे जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CI ZI नोट का स्क्वायर और टोटल की पावर क्या होगी, हाफ।
ठीक है, ये कैसे हुआ है? क्योंकि हमने क्या करा, पूरी इक्वेशन जो थी ये ऊपर वाली, इसको 2 बाय 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, ये क्या हो गया 8 हो गया। और इसको हमने क्या रखा, इसके साथ में रखा, क्यों रखा है? क्योंकि यहाँ से 1 बाय 2 सबमिशन ये ही ZA स्क्वायर होगा, वो क्या होता है आयनिक स्ट्रेंथ होता है। तो इस तरह से हम आयनिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए इसको इस तरह से जो है लिख रहे हैं। और यहाँ पर जो हमारे पास में ये चीज़ हो जाएगी, ये तो क्या है पूरा कॉन्स्टेंट है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ज़ाई इक्वल टू हो जाएगा बीटा, या हमारे पास ये हो जाएगा बी और मल्टीप्लाई बाय आई की पावर 1 बाय 2। ये पूरा टर्म कांस्टेंट है तो इसको हमने कांस्टेंट बी मान लिया। यहाँ पे बी क्या हो जाएगा 8 पाई NA ई नोट का स्क्वायर अपॉन में EKT मल्टीप्लाई बाय 1000 की पावर 1/2। ठीक है, और ये जो है हमारे पास क्या है, हाफ समीशन ऑफ CI ZI का स्क्वायर। इसको हम क्या लिखते हैं आई, जो कि हमारे पास में होती है आयनिक स्ट्रेंथ, तो ये क्या है इसका अंडर रूट आई हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जो है हम वो हमारी इक्वेशन में रखेंगे। हमारे पास में इक्वेशन क्या थी, ये हमारे पास में कौन सी इक्वेशन हो जाएगी 7। तो इक्वेशन 7 की वैल्यू जो है हम रखेंगे, इक्वेशन 7 की वैल्यू हमारे पास किस में रखेंगे, ज़ाई में। तो ज़ाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ है, तो हम इसमें रखेंगे इक्वेशन 6 के अंदर रखेंगे। तो हमारे पास में जो लॉग गामा जो है, इक्वेशन 7 की रखेंगे हम इक्वेशन 6 के अंदर, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, लॉग गामा प्लस माइनस इक्वल टू हो जाएगा माइनस NA, ठीक है, और ई नोट का स्क्वायर जेड प्लस जेड माइनस BI की पावर 1 बाय 2 अपॉन में क्या हो जाएगा 2.3032 ईटा RT। ठीक है, हमने क्या करा, ये वैल्यू को इक्वेशन 6 के अंदर रखा। इक्वेशन 6 हमारे पास में क्या थी, ये हमारे पास इक्वेशन 6 है माइनस NA, ठीक है, यहाँ पे ए को जो है कैपिटल कर देना, ये एवोगाड्रो नंबर है, ठीक है, माइनस NA मल्टीप्लाई बाई ई नोट का स्क्वायर अपॉन में 2.3032 ईटा RT जेड प्लस जेड माइनस, ठीक है, यहाँ पे हमने जाई की वैल्यू रखी है केवल, ठीक है, तो इक्वेशन मॉडिफाई होकर हो जाएगी माइनस NA ई नोट का स्क्वायर अपॉन में 2.303 मल्टीप्लाई बाय 2 ERT और ये जेड प्लस जेड माइनस और ये जो है एज इट इज़ रहेगा। ये हमारे पास में कॉन्स्टेंट है और ये पूरी वैल्यू भी हमारे पास कॉन्स्टेंट है, तो हमारे पास एक नया कॉन्स्टेंट आ जाएगा। तो ये हमारे पास में हो जाएगी इक्वेशन लॉग गामा प्लस माइनस इक्वल टू ये कॉन्स्टेंट और ये कॉन्स्टेंट लेके हम नया कॉन्स्टेंट लिख रहे हैं जो कि हमारे पास में है ए, और ये हमारे पास बच गया जेड प्लस और जेड माइनस और ये हो गया आई की पावर 1 बाय 2। तो ये हमारे पास में निकल के आती है फाइनल इक्वेशन जो कि रिलेट करती है मीन एक्टिविटी कोफिशियंट को आयनिक स्ट्रेंथ के साथ। ठीक है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, डिबाई हकल लिमिटिंग लॉ भी कहते हैं। यहाँ पे जो ए की जो अमूमन वैल्यू होती है वो होती है 0.509। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है ये हमारे पास में आती है फाइनल इक्वेशन निकल के जो रिलेट करेगी गामा प्लस मैंने जो कि मीन एक्टिविटी कोफिशियंट है और जो आई है वो हमारे पास में आयनिक स्ट्रेंथ। तो इस तरह से जो है ये हम निकालते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।